अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आप सोचोगे मैं अबाया पहन के कहाँ के लिए रेडी हूँ, तो मैं अबाया इसलिए मैंने पहना हुआ है कि अब जस्ट अभी मैं अपनी मम्मी के घर से आई हूँ। आज है 31 दिसंबर, न्यू ईयर नाइट, तो हम रात में जाएंगे। तो मैं मम्मी के घर गई थी, वहाँ पे ही दोपहर से थी, वहाँ पे खाना वगैरह खाया और अभी हम आ गए हैं घर पे। मैं और हम आ गए ताकि मैं घर पे आके अपने कपड़े वगैरह रेडी कर लूँ न्यू ईयर में जाने के लिए। जो भी फायरवर्क वगैरह होगा वो सब देखने जाएंगे। अब किस जगह पे जाते हैं दुबई में वो मुझे आइडिया नहीं है। या तो बुर्जुल अरब में जाएंगे की तरफ जाएंगे या बुर्ज खलीफा की तरफ जाएंगे, तो देखते हैं, डिसाइड करते हैं। तो अभी तो मैं आ गई घर पे कि मैं जल्दी से मतलब शावर वगैरह ले लूँ, कपड़े वगैरह इस्त्री कर लूँ जो पहनने हैं, तैयार हो जाऊँ, फिर हम जाएंगे। शायद अम्मी लोग भी जाएंगे हमारे साथ। अपनी बहन को मैंने मैसेज किया है, अभी तक आपा ने जवाब नहीं दिया। पता नहीं वो चलेंगे हमारे साथ या नहीं चलेंगे, क्योंकि आपा की भी तबीयत ख़राब है और रयान मरवा दोनों की तबीयत बहुत दोनों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उन दोनों को भी फीवर है। अली भाई को एक हफ्ता पहले फीवर था, उसके बाद रयान मरवा दोनों को हुआ, फिर उसके बाद भी आपा को हुआ है। तो वो पता नहीं चलेंगे हमारे साथ या नहीं चलेंगे। मैंने उनको मैसेज किया है, अब उनका जवाब आए तो देखते हैं। फिर अम्मी को बोला है मैंने, अम्मी भी बोलती, मैं देखती हूँ। अम्मी की भी तबीयत कुछ इतनी ठीक नहीं है, अम्मी ने कहा देखती हूँ। लेकिन सुफियान हमारे साथ ज़रूर जाएगा, मेरे और हमूद के साथ। तो बस मैं घर पर आ गई हूँ, हमूद के भी कपड़े निकालती हूँ, खुद के भी कपड़े निकालती हूँ। पहले तो मैं डिसाइड करती हूँ कौन से कपड़े पहनने हैं। तो चलिए पहले वार्डरोब में देख लेते हैं कौन से कपड़े पहनने हैं, अपने भी और हमूद के। तो चलिए देखते हैं आज कौन से कपड़े पहनेंगे हम। कोई खुले ही कपड़े पहन के जाएंगे और गर्म, ताकि पहले ये मेरी अलमारी की फिर से हालत देखे ख़राब हो गई है। खैर अमूद भी अभी वो मुझे तंग करके बैठा है, वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं सो जाऊँगा, ये वो। मैं सोच रही हूँ, ये मैंने कुछ दिन पहले ये शर्ट खरीदी है, ये देखें, कुछ दिन पहले ही शर्ट खरीदी है, काफ़ी खुली है और गर्म भी है, तो ये वाली पहन लेती हूँ और इसके साथ पैजामा। तो मैंने अपने और हमूद के कपड़े निकाल लिए, अभी इनको आयरन करूँगी, देखती हूँ कि मैं भी ये शर्ट पहनती हूँ या नहीं, या कोई और निकालती हूँ, पहले चेक कर लेती हूँ। तो फाइनली मैंने ये वाले कपड़े पहन लिए हैं। वो दूसरे वाले कपड़े मैंने इसलिए नहीं पहने क्योंकि वो शर्ट बहुत खुली थी और मुझे अबाया वगैरह नहीं पहनना था, मतलब ये अबाया की तरह ही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह का है सूट, तो मैंने यही पहन लिया है। तो अभी मैं मेकअप वगैरह कर लूँगी, थोड़ा सा हल्का सा फुल्का मेकअप कर लूँगी और इसके साथ मेरा वाइट दुपट्टे का शेला है वो भी मैं बांध लूँगी। तो चलिए रेडी होते हैं। अभी हम निकल चुके हैं घर से क्योंकि हम उसने कहा जल्दी चलो, हम शारजा में रहते हैं, हमें दुबई जाना है, तो उसने कहा ट्रैफिक होगी, तो हम जल्दी जल्दी तैयार होके, इसलिए मैं वहाँ पे अपने मेकअप वगैरह का शूट नहीं कर पाई, बस नॉर्मल से ड्रेस वगैरह पहन ली। अभी जाके अपनी अम्मी और अपने भाई को पिक करेंगे। और ये देखिए हम उसका ड्रेस, उसका फेस नहीं दिखाऊंगी वरना वो डांटेगा, मिक्की माउस वाला। इसने शर्ट अंदर पहन ली दूसरी, लेकिन पैर से हुडी पहन ली इसने, बाहर से हुडी पहन ली उसने, क्यों उसने कहा सर्दी लगेगी। और मैंने भी थोड़े गर्म कपड़े पहन लिए इस शर्ट के अंदर भी, क्योंकि पतली भी थी, इसके अंदर भी वाइट शर्ट पहन ली ताकि सर्दी भी ना लगे। तो चलिए चलते हैं। अभी आ गए हैं अम्मी भाई, गाड़ी की लाइट बिल्कुल मतलब सही नहीं आ रहा होगा आप लोगों को दिखाई में, लेकिन ठीक है। अब्बू भी आज फर्स्ट टाइम मेरा अब्बू लाइफ में न्यू ईयर पे निकले हैं, वरना वो कभी नहीं जाते, तो फर्स्ट टाइम उनको लेकर जा रहे हैं। बहन लोग नहीं आ रहे क्योंकि उनके घर में सबकी तबीयत ख़राब है, तो वो रेस्ट करेंगे। और अभी हम रश में फंसे हुए हैं, देखते हैं। अभी शारजा से निकले हम दुबई जा रहे हैं बुर्ज अल अरब के पास जाके वहाँ पे फायरवर्क होगा, वो देखेंगे। हाँ। रास्ते से कुछ खाने पीने के लिए लेंगे। तो चलिए आपके बुर्ज अल अरब में जाके मिलते हैं। चले ये देखिए, अभी हम दुबई पहुँच चुके हैं। ये दूर बुर्ज खलीफा है, हमने सोचा पहले बुर्ज खलीफा ही जाएंगे, लेकिन बुर्ज खलीफा का हमने काफ़ी दफ़ा न्यू ईयर में फायरवर्क देखा है, तो अभी वहाँ पे रश भी बहुत होती, क्राउड बहुत होता है, जिसमें हम उधर नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं बुर्ज अल अरब में, जो दुबई का साइन सिग्नेचर
पे, यहाँ पे बैठे हैं अब्बा जी, या हम वो ड्राइव कर रहा है या मी सुफियान, हम लोग अंधेरे में दिखेंगे ही नहीं क्योंकि अंधेरा है। और ये देखिए कितना प्यारा है, लेकिन इंटरनेट पे, लेकिन इंटरनेट पे आप लोगों को चाहे बुर्ज खलीफा का हो या बुर्ज अरब का, सबका फायर शो आपको दिख जाएगा, वो इंटरनेट पे अपलोड हो जाता है, लाइव हो जाता है। कितनी खूबसूरत मस्जिद है, दुबई हो शारजा यूएई की सबसे बेस्ट पार्ट मस्जिद है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत मस्जिदें होती हैं यहाँ पे, माशाल्लाह कितनी प्यारी है ना, सारी प्यारी मस्जिद है। इंशाल्लाह अभी ये व्लॉग चलते रहेंगे तो रमजान भी आ जाएगा, मैं रमजान में आप लोग को मस्जिद में बताऊंगी किस तरीके से तरावी वगैरह वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरी अम्मी मुझे बोली इस तरफ भी दिखाओ ना, ये देखिए ये एक मॉल है, मुझे यहाँ से सही दिख नहीं, आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, सुनी तो शीशा नीचे करो ना, हाँ ये देखिए वो एक ये मॉल टाइप है, पर यहाँ पे इस जुमेरा रोड में एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ी भी दिखती है। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं आते किसी की शादी में, नहीं नहीं वो तो बुर्ज खलीफा के पास थी, हम लोग एक शादी में गए थे बहुत साल पहले, अम्मी कह रही है वो यहाँ पे आए थे लेकिन वो बुर्ज खलीफा, तो चलिए बुर्ज अरब के पास जाके मिलते हैं। पहुंच चुके हैं जुमेरा बुर्ज अरब के पास, लेकिन पार्किंग बहुत दूर लगानी पड़ती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रोड बंद भी कर देते हैं न्यू ईयर की वजह से, तो देख रहे कितना सांस फूल गया है, तो अभी बस हम जा रहे हैं, अबू हमूद लोग पीछे आ रहे हैं, अब मैं करीब में जाके आपको बुर्ज अरब दिखाऊंगी, लेकिन अभी तो ये सा एरिया है, ये देखिए ये सब आ रहे हैं। अबू का जुमेरा में आके आठ, अबू को आठाने वाली चाहिए जुमेरा में। तो ये मेरे अब्बा का फर्स्ट टाइम न्यू ईयर है, अम्मी अब्बू, अम्मी पहले शायद गई है, नहीं अम्मी अब्बू दोनों का फर्स्ट टाइम न्यू ईयर है, गिरने वाली थी कभी रात को, हाँ हम काफ़ी दफ़ा, हम तो हर साल आते हैं, वैसे तो जाते हैं लेकिन हैप्पी न्यू ईयर के लिए, हैप्पी न्यू ईयर, हाँ तो ये फर्स्ट टाइम अम्मी अब शोर शराबा शुरू हो गया है। अगर हम बुर्ज अरब के फ्रंट पे होते शायद हमको काउंटिंग दिखती, वो 10 सेकंड्स में है ना वो काउंट डाउन शुरू कर देते, यहाँ से पता नहीं दिखेगा या नहीं, हाँ वाइट साइड पे काउंट डाउन, यहाँ से काउंट डाउन नहीं दिखेगा हमें, हाँ वो देखिए चालू हो गया, अभी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए काउंट डाउन शुरू हो गया, किसी को भी काउंट डाउन दिख नहीं रहा, हाँ किसी को भी ऐसे काउंट डाउन दिख नहीं रहा है ना, तो सब एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन
इतना दूर जाना है। बुर्ज खलीफा का भी दिख रहा है, ये बुर्ज लड़ा का था, ये बुर्ज खलीफा का है। ये आप सही नहीं दिख रहा होगा लेकिन खत्म हो गया। जैसे कि आपने पिछले क्लिप में देखा, हम दुबई में बुर्जुल अरब के पास थे। ये जो क्लिप है ये अबू धाबी का है। अबू धाबी में मेरा भाई था तो उसने हमें ये वीडियो सेंड की, मैंने सोचा ये भी ब्लॉग में डाल देते हैं। अबू धाबी में भी हुआ था 40 मिनट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने किया, 40 मिनट्स का फायरवर्क था। तो ये देखिए अबू धाबी का। अभी हम लोग निकल चुके हैं। देखिए अभी इतनी रश थी, मैंने पूरा फायरवर्क का व्लॉग नहीं बनाया, जो भी थोड़े बहुत मैंने क्लिप बनाए हैं वो मैं सब ऐड कर दूंगी। बाकी ये देखिए सामने बुर्जुल अरब है। ये कौन सा एरिया है हमुद? उम सकीम एरिया है। अभी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है इस रोड पे, तो बस अभी हम जाएंगे, रास्ते में से चाय वगैरह लेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सब अपना ख्याल हैप्पी न्यू ईयर। सब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, कोई गलत काम मत कीजिए। जो गुनाह हुए हाँ, जो भी गुनाह हुए अम्मी नेक्स्ट ईयर को नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए नेक्स्ट ईयर नहीं होना चाहिए। अम्मी ने भी बोल दिया जो गुनाह हुए है उसकी माफी मांग लीजिए, नेक्स्ट ईयर वो काम मत कीजिए गलत काम। तो और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।